ना साउमी ना रियलमी मोटरोला पहली स्मार्टफोन कंपनी होने वाली है जो सबसे पहले स्नैपड्रैगन 778G पावर स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च करेगी। और दोस्तों उसके अलावा और भी काफी सारी टेक न्यूज आज मैं आपके लिए लाया हूँ। सो हे गाइस, मेरा नाम है ब्रिज और टेक न्यूज एपिसोड 556 में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज की बात करें तो पहली न्यूज है मोटरोला की तरफ से। तो लीक से ऐसी जानकारी मिल चुकी है कि मोटो एज 20 सीरीज के स्मार्टफोन्स इंडिया में अब काफी जल्द लॉन्च होने वाले हैं। और दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो मोटो एज 20 स्मार्टफोन इंडिया का पहला स्मार्टफोन होने वाला है जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर मिलने वाला है। यानी कि मोटो एज 20 स्मार्टफोन रियलमी GT मास्टर एडिशन स्मार्टफोन से पहले इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों लीक्स की माने तो ये स्मार्टफोन 10 से 15 अगस्त के बीच में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। यानी कि काफी जल्द मोटो एज 20 सीरीज के स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। तो क्या आप लोग मोटो एज 20 सीरीज के लिए एक्साइटेड हो तो वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगली न्यूज भी मोटरोला के बारे में ही है। तो मोटो एज 20 स्मार्टफोन के लॉन्च के बाद मोटरोला अपना एक नया बजट स्मार्टफोन जिसका नाम मोटो E20 होने वाला है उस स्मार्टफोन को काफी जल्द लॉन्च करने वाला है। क्योंकि इस स्मार्टफोन को आज मिल चुका है TUV Ryzen का सर्टिफिकेशन और इस सर्टिफिकेशन से ये कंफर्म हो जाता है कि ये स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में काफी जल्द लॉन्च हो जाएगा। इस सर्टिफिकेशन से ये भी कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर हमें 10W चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाएगा। सो गाइस, Samsung Galaxy A52s 5G स्मार्टफोन यूरोप मार्केट में काफी जल्द लॉन्च होने वाला है उसके बारे में हम सभी लोगों को पता है। लेकिन इस स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले ही इसकी प्राइस आज ऑनलाइन लीक हो चुकी है। लीक से ऐसी जानकारी मिली है कि यूरोप मार्केट में ये स्मार्टफोन 435 यूरोस की प्राइस पर लॉन्च होने वाला है। यानी कि करीबन 38,000 इंडियन रुपीज की प्राइस पर ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा यूरोप मार्केट में। लेकिन इंडिया में ये स्मार्टफोन इतनी ज्यादा प्राइस पर लॉन्च नहीं होगा। इंडिया में ये स्मार्टफोन अराउंड 30-31,000 रुपीस की ही प्राइस पर लॉन्च होने वाला है और उस प्राइस पर ये स्मार्टफोन एक काफी अच्छा स्मार्टफोन कहलाएगा। क्या आप लोग A52s 5G स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हो तो वो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये टेक न्यूज पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। Redmi Note 10 सीरीज के अंदर ऑलरेडी Redmi ने काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं इंडिया में और ग्लोबली में काफी सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं Redmi ने। लेकिन इतने स्मार्टफोन से Redmi अभी भी खुश नहीं है क्योंकि Redmi ने आज Redmi Note 10 JE स्मार्टफोन को लॉन्च किया है जापान में। यहां पर JE का मतलब यह है कि जापान एडिशन। यहां पर यह स्मार्टफोन जो जापान में लॉन्च हुआ है वो बेसिकली Redmi Note 10 5G स्मार्टफोन ही है। सिर्फ वहां पर जापान में दो चेंजेस किए हैं Redmi ने। पहला चेंज ये है कि वहां पर Snapdragon 480 5G का प्रोसेसर यूज किया है MediaTek Dimensity 700 के बदले। और दूसरा डिफरेंस ये है कि वहां पर IP रेटिंग भी प्रोवाइड की है Redmi ने। IP68 की रेटिंग प्रोवाइड की है Redmi ने। बाकी सब चीजें Redmi Note 10 5G जैसी ही है। Redmi अपने स्मार्टफोन्स काफी अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च करती है लेकिन एक ही स्मार्टफोन कितने नाम से लॉन्च करेगी Redmi उसके बारे में अभी पता नहीं है और यह चीज मुझे Redmi वालों की बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो दोस्तों Xiaomi का नया स्मार्टफोन जिसका नाम Mi 11T Pro होने वाला है उस स्मार्टफोन को आज मलेशिया का सिडिम सर्टिफिकेशन मिल चुका है और इस स्मार्टफोन को आज इंडिया का IMEI डेटाबेस वेबसाइट पर लिस्टिंग भी मिल चुका है। यानी कि यह स्मार्टफोन Xiaomi अब काफी जल्द लॉन्च करने वाला है। और दोस्तों डिजिटल चेस स्टेशन ने यह कंफर्म किया है कि इस स्मार्टफोन के अंदर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली OLED डिस्प्ले यूज करने वाला है Xiaomi। यानी कि Mi 10T सीरीज के कंपेयर में यहां पर इंप्रूवमेंट होने वाला है। Mi 10T सीरीज के अंदर हमें LCD डिस्प्ले मिलती थी 144 हर्ट्ज वाली, यानी कि रिफ्रेश रेट थोड़ी कम होने वाली है लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी इंप्रूव होने वाली है। और ऐसी जानकारी मिली है कि Mi 10T एंड Mi 10T Pro का सक्सेसर यानी कि Mi 11T एंड Mi 11T Pro ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में काफी जल्द लॉन्च हो जाएंगे। सो गाइस, आज की आखिरी न्यूज भी Xiaomi के बारे में ही है। तो Mi 11 Lite 4G स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च हुए एक दो महीने हो चुके हैं और Mi 11 Lite 4G स्मार्टफोन के लॉन्च इवेंट में काफी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5G स्मार्टफोन भी इंडिया में लॉन्च हो जाए तो काफी अच्छा होगा। लेकिन तब Xiaomi वालों ने हमारी नहीं सुनी, उन्होंने सिर्फ 4G स्मार्टफोन ही लॉन्च किया था। लेकिन अब ऐसी जानकारी मिल चुकी है कि Mi 11 Lite 4G स्मार्टफोन इंडिया में अब डिसकंटिन्यू हो चुका है और Mi 11 Lite 5G स्मार्टफोन इंडिया में अब Xiaomi काफी जल्द लॉन्च करने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो ये स्मार्टफोन इस महीने के एंड से पहले लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। तो क्या आप लोग Mi 11 Lite 5G स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हो तो वो मुझे आप
आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।